मुजफ्फरनगर में दो मंजिला मकान गिरने पर मेरठ के एडीजी डीके ठाकुर ने जानकारी दी। एडीजी डीके ठाकुर ने कहा कि अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सड़क का लेवल ऊंचा हो गया था, जिससे बिल्डिंग ग्राउंड लेवल से एक लेवल नीचे हो गई थी। इस दौरान जैक लगाकर उसे उठाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे इमारत ढह गई। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा। 18 लोगों को बचाया गया है और 2 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आगे कहा, हादसे में एक व्यक्ति के अभी भी फंसे होने की आशंका है, उसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जहां हम लोग खड़े हैं मुजफ्फरनगर में जानसठ थाना क्षेत्र में, यहाँ बिल्डिंग थी और पुरानी बिल्डिंग तो पुरानी थी, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बिल्डिंग की जो ग्राउंड थी वो नीचे हो गई थी और ये सब बाद में बगल में जो सड़क ऊंची हो गई थी, तो उसने बिल्डिंग को ऊंची करने के लिए कुछ ठेकेदारों की मदद से जैक लगा करके बिल्डिंग को ऊंचा करने का प्रयास कर रहे थे। उस दौरान कुछ गड़बड़ी भी सही काम नहीं किया, जिसके कारण बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिर गई। हम लोग सूचना जानकारी मिली, तत्काल पुलिस SSP साहब, DM साहब, यहाँ जो लोकल जितनी इंजाम हो सकते हैं सारे लोग पहुँचे, सारे काम करना शुरू किया। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग ने NDRF SDRF संपर्क किया, NDRF PDG से बात हुई, उन्होंने तत्काल अपनी टीम भेजी और हम लोगों ने अभी तक जितना काम किया उसके अनुसार 18 लोग निकाले जा चुके हैं। 18 में 2 की डेथ हो चुकी है, कन्फर्म है। 1 सीरियसली इंजर्ड है और 15 लोग सही सलामत हैं, 15 सही हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पड़ी, शायद एक आदमी अभी अंदर दबा हुआ है, उसका भाई मिला है, भाई कह रहा है शायद हमारा भाई यहाँ हो सकता है, उसके लिए हम लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई हो तो। पूरी NDRF टीम है, लोकल फायर सर्विस की टीम है, लोकल जो वॉलंटियर्स है वो लोग सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग आखिरी तक देख लेंगे, आखिरी तक कोई बचेगा तो उसका प्रयास कर रहे हैं हम लोग।